गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम इम्यूनो की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक इम्यूनो की सीरीज़ में लेके आए हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप स्लेट एमपी स्लेट हो, एमबीबीएससी हो, या कोई जो जनरल संविदा शिक्षक का होता है एग्ज़ाम उसमें, या कोई भी ग्रेजुएशन जेएनयू के लेवल का एग्ज़ाम, या ग्रेजुएशन का एंट्रेंस, या पीजी का एंट्रेंस, इन सभी में इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और यहाँ पर जब भी इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, तो 100% आप मान के चलिए कि एक दो क्वेश्चन आपको हाइपर सेंसिटिविटी से रिलेटेड ज़रूर आएगा। अदरवाइज भी जो स्टूडेंट्स बीएससी या एमएससी में, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, जहाँ भी इम्यूनोलॉजी होता है वहाँ पर ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। एक्चुअली हाइपर सेंसिटिविटी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 to 4 टॉपिक्स। कई जगह आप एमएससी वगैरह के सिलेबस में देखेंगे कि ये कुछ यूनिवर्सिटीज में स्प्लिट अप करके होते हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी अलग, टाइप 2 अलग, टाइप 3 अलग, टाइप 4 अलग, लेकिन कई जगह पर ये एक साथ सिर्फ हाइपर सेंसिटिविटी वर्ड लिखा होता है। तो ये डिपेंड करता है टीचर पर कि वो कैसे कवर करता है। तो मैं एक एक हाइपर सेंसिटिविटी को अच्छे से कवर करूँगी, ताकि सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके कवर हो जाए। इसलिए ये लेक्चर में, एक लेक्चर में कवर नहीं करूंगी। एक लेक्चर हम इंट्रोडक्शन का बनाएंगे, उसके बाद एक एक हाइपर सेंसिटिविटी का हम आराम से एक एक लेक्चर बनाएंगे। जो भी मैटर प्रोवाइड किया गया है वो लिमिटेड है, और जो इंपॉर्टेंट है वही है। यदि आपको अलग से नोट्स चाहिए तो आप अलग से अप्रोच करें। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं या नहीं। ओके, तो फर्स्ट हम फर्दर डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, हाइपर सेंसिटिविटी जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइपर और सेंसिटिविटी। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, और सेंसिटिविटी का मतलब होता है रिस्पॉन्स। और हाइपर सेंसिटिविटी ओवरऑल वर्ड का मतलब होता है ओवर इम्यून रिस्पॉन्स। हाइपर सेंसिटिविटी ओवर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन का एक ऐसा स्टेट है जो कि 10% इंडिविजुअल्स में पाया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि 10% इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्स देता है, ओवर इम्यून रिस्पॉन्स देता है। तो ये ओवर इम्यून रिस्पॉन्स देने वाले जो रिएक्शन हैं ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कहलाते हैं, और ये जो फिनोमेना है ये हाइपर सेंसिटिविटी कहलाता है। लगभग जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन, उसमें से 10% पॉपुलेशन ऐसी होती है जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी पाई जाती है। अब यदि साधारण भाषा में बोलूँगी मैं, तो आप एकदम पहचान जाएंगे कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या है। इसे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं एलर्जी, ठीक है ना। एलर्जी बहुत कॉमन चीज़ है, और अलग अलग इसके कॉजिटिव एजेंट हो सकते हैं। अलग अलग चीज़ों से एलर्जिक हो सकता है कोई भी व्यक्ति, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि उसको किस चीज़ से एलर्जी, ये हम आगे फैक्टर्स में देखेंगे। ओवरऑल हम हाइपर सेंसिटिविटी को डिफाइन करें तो ये एक ओवर इम्यून रिस्पॉन्स है इम्यून सिस्टम का, जिससे कि एक एग्जैगरेटेड यानी बढ़ा हुआ और अनअप्रोप्रिएट यानी कि इनअप्रोप्रिएट यानी कि एक गलत न चाहा हुआ रिएक्शन जन्म लेता है। ये होस्ट के लिए ओवर एक्टिवेटेड सिस्टम को जन्म देती है, और ऐसा सिस्टम जनरेट करती है कि जो कि होस्ट के लिए हानिकारक होता है। यदि आप देखें तो कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स यदि एक निश्चित क्वांटिटी में जनरेट होगा तो ही वो होस्ट के लिए बेनिफिशियल होगा। यदि वो ज़रूरत से अधिक मात्रा में जनरेट होगा तो वो होस्ट के लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा। तो ओवरऑल यदि कहें तो ओवर इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है दैट इज़ नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है ना। और जो सब इसे लोकल भाषा में एलर्जी बोलते हैं, और जो सब्सटेंस एलर्जी कॉज करते हैं दे आर नोन एज एलर्जेंस, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाए तो प्रिंस ऑफ मोनैको ने फर्स्ट इसको ऑब्जर्व किया था जेलीफिश में, लेकिन जो टाइप 1 आगे हम देखेंगे हाइपर सेंसिटिविटी जो टाइप 1 थी उसके बारे में खैर हम आगे अभी बात करते हैं। अभी के लिए तो आप इतना समझ लीजिए कि एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं उसे प्रिंस ऑफ मोनैको ने सबसे पहले जेलीफिशेस में ऑब्जर्व किया था। और एक बात और समझ लें कि जो ज़्यादातर हाइपर सेंसिटिविटीज होती हैं वो जब बॉडी का फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है एंटीजन से तब नहीं इनिशिएट होती। मोस्ट ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटीज आर इनिशिएटेड व्हेन द बॉडी कम्स इन टच विद द एंटीजन फॉर द सेकंड टाइम, अर्थात ज़्यादातर हाइपर सेंसिटिविटी तब क्वेश्चन में आती
हैं जब जो पेशेंट है वो एंटीजन के कांटेक्ट में सेकेंड टाइम आता है। फर्स्ट कांटेक्ट से एकदम हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता, सेकेंड कांटेक्ट से आने में प्रॉब्लम जनरेट होती है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं फैक्टर्स क्या क्या हाइपर सेंसिटिविटी को कॉज कर सकते हैं इनकी बात करूँ, तो इन जनरल हम सबको पता है कि हमें ड्रग्स से एलर्जी होती है, फूड पार्टिकल्स से होती है, डस्ट से एलर्जी होती है, मेडिसिन से एलर्जी होती है ना, कभी कभी गलत ब्लड ट्रांसफ्यूशन से, मतलब अगर ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड ग्रुप दे देंगे तो भी एलर्जी हो जाएगी। अब वो कैसे, क्या उसका मैकेनिज्म, जब हम उस तरह की हाइपर सेंसिटिविटी पे आएंगे तब डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए हम मान सकते हैं कि बहुत से लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, फ्लावर से एलर्जी होती है, वीट से एलर्जी होती है। सो एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जेंस, कौन किसी और रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन टू एवरी टाइप ऑफ एलर्जिन, किसकी बॉडी किस रिएक्शन के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करेगी वो इंपॉर्टेंट होता है। देन अगर हम बात करें हाइपर सेंसिटिविटी के क्लासिफिकेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइपर सेंसिटिविटी क्लासीफाई किस तरह से करी गई है, तो देखिए हाइपर सेंसिटिविटी को क्लासीफाई करने के दो एस्पेक्ट्स हैं। देर आर टू कैटेगरीज जिनके बेसिस पे हाइपर सेंसिटिविटी को क्लासीफाई किया जा सकता है। नंबर वन जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से यदि हम हाइपर सेंसिटिविटी को क्लासीफाई करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक इमीडिएट टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है और दूसरी डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है। ओके, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी मतलब कि वो हाइपर सेंसिटिविटी जो कि जल्दी रिएक्शन हो रहा है, जहाँ पर जल्दी इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, दैट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज नोन एज इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। एंड दूसरी है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब जहाँ पर देर से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, इस तरह की हाइपर सेंसिटिविटी को हम कहते हैं वो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी कहलाती है। यदि हम इन दोनों को डिटेल्स में देखें तो हम देख सकते हैं, देखिए आप जो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो जल्दी अपीयर होती है ना, और जल्दी डिसअपीयर भी होती है। ठीक है, जो इमीडिएट डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो स्लोली अपीयर होती है और स्लोली डिसअपीयर भी होती है ना, धीरे धीरे होगी और धीरे धीरे डिसअपीयर होगी। देन उसके बाद जो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो एंटीजन से इंड्यूस होती है, और जो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो इन्फेक्शन से भी हो सकती है, एंटीजन से भी हो सकती है और स्किन कॉन्टैक्ट से भी हो सकती है। ठीक है, और जो इमीडिएट होती है वो डायरेक्टली सिर्फ एंटीजन से ही इंड्यूस होती है। देन जो इमीडिएट रिएक्शन है उसमें जो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं रिएक्शन के लिए, है ना, मतलब कि डायरेक्ट जो एंटीबॉडीज होती हैं, इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी होता है वो रिस्पॉन्सिबल है हाइपर सेंसिटिविटी के लिए, कहाँ, इमीडिएट रिएक्शन में। और जो डिलेड रिएक्शन होता है उसमें जो टी सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी का कॉन्टैक्ट नहीं होता एंटीजन से, टी सेल्स का कॉन्टैक्ट होता है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो इमीडिएट टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है दैट इज हैंडल्ड बाय बी सेल्स, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है और हम सब जानते हैं एंटीबॉडी बी सेल बनाता है। और जो डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है दैट इज हैंडल्ड बाय टी सेल्स, उसके अंदर एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, टी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसीलिए हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर इमीडिएट टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी करेक्ट करनी है तो इट कैन बी करेक्टेड बाय द ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज, लेकिन अगर डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी करेक्ट करनी है तो वो टी सेल के ट्रांसफर से ही करेक्ट की जा सकती है। ठीक है, अगर इमीडिएट टाइप की जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो डिसेंसिटाइजेशन से करी जा सकती है, डिसेंसिटाइज कर दे हम एंटीजन के इफेक्ट को, लेकिन वो डिसेंसिटाइजेशन इमीडिएट टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी में शॉर्ट लिव्ड होगा, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि वो होती भी जल्दी है और उसका इफेक्ट भी जल्दी ख़त्म होता है, तो उसको डिसेंसिटाइज भी करेंगे, ठीक करने की कोशिश भी करेंगे तो जो रिस्पॉन्स होगा वो शॉर्ट लिव्ड होगा, और उसी तरह डिलेड में ये लॉन्ग लिव्ड रिस्पॉन्स होगा। देन लीजेंस जो हैं इसमें वो एक्सक्लूजन फैट
फैटी नेक्रोसिस होता है इमीडिएट टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी में, और यहाँ ब्लड वेसल्स के आसपास डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी में ब्लड वेसल्स के आसपास सेल्स कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इमीडिएट टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी में लीजन्स होते हैं, लीजन्स मतलब कट लगते हैं, और जो डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसमें ब्लड वेसल्स के आसपास क्या होता है, सेल्स का कलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब ये जो है, ये जो इमीडिएट टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी कुछ घंटों में इमीडिएटली एलर्जन का जब सेकेंड कॉन्टैक्ट होता है तो उसके कुछ समय में ही दिख जाती है, और डिलेड जैसा कि मैंने बोला नाम से ही समझ में आ रहा है कि 24 to 48 hours में अपीयर होती है। और जो इमीडिएट टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको हम एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, और जो डिलेड टाइप की होती है उसे सेल मीडिएटेड कहते हैं, क्योंकि जो इमीडिएट टाइप वाली होती है इट इज़ हैंडल्ड बाय बी सेल, इट इज़ हैंडल्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन विद एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन से हैंडल होती है, और जो डिलेड टाइप की होती है वो टी सेल्स द्वारा हैंडल होती है, ठीक है। तो अगर हम टाइम के बेसिस पे विभाजित करें तो ये पांच टाइप की, दो टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी पाई जाती है। अब अगर हम मैकेनिज्म के बेसिस पे बांटे तो मैकेनिज्म के बेसिस पे हम चार या पांच तरह से हाइपर सेंसिटिविटी को मेजरली चार करते हैं, वैसे पांचवा टाइप भी है पर बहुत ज़्यादा पांचवे टाइप के बारे में नोन नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता, जनरली 1, 2, 3, 4 ही पढ़ाई जाती हैं। और जो 1, 2 और 3 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है ये तीनों इमीडिएट टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है। और जो फोर्थ टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है इट इज द डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। सो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, यदि हम रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें और यदि हम इसे भी सब क्लासीफाई करें तो इमीडिएट इज फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स में हम इसे विभाजित कर सकते हैं, और जो डिलेड है वो केवल एक टाइप की होती है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। और अगर हम मैकेनिज्म के आधार पर भी डिमार्केशन करें तो चार हाइपर सेंसिटिविटी होती हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी और टाइप 4। जो टाइप 1 होती है उसका नाम है एनाफाइलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी या एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं जिसे। जो टाइप, ये जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है इसका कॉजिटिव एजेंट होता है IgE एंटीबॉडी, ये याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन आता है। अभी हम डिटेल में एक एक हाइपर सेंसिटिविटी पर बात करेंगे बट मैं एक नटशेल में बता रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा कि जो टाइप 1 की हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसका कॉजिटिव एजेंट है IgE इम्यूनोग्लोबुलिन या IgE एंटीबॉडी जिसे रिएजिन या रिएजिनिक एंटीबॉडी कहा जाता है। जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है उसका जो कॉजिटिव है उसका नाम है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी या साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी भी उसे कहा जाता है। उसका कॉजिटिव एजेंट होता है IgG या IgM इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है उसका नाम है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी जिसका कॉजिटिव एजेंट अगेन मेनली IgG या IgM दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये जो 1, 2 और 3 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी हैं ये तीनों इमीडिएट टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी हैं, और जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है वो डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है, उसको कहते हैं सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी जो कि मेनली टी हेल्पर सेल्स के द्वारा रिलीज होने वाले साइटोकाइनिन से होती है या टीसी सेल्स के ओवर इम्यून रिस्पांस के कारण होती है जिससे कि सेलुलर डैमेज होता है, ठीक है। अब ये जो चौथी हाइपर सेंसिटिविटी है जैसा मैंने बताया डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी, और पांचवी जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसका नाम है स्टिम्युलेटरी हाइपर सेंसिटिविटी, पर उसके बारे में ज्यादा डेटा नोन नहीं है इसलिए हम उसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे, ओके। तो ये जो एक बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया हाइपर सेंसिटिविटी का, मैंने आपको क्या बताया कि हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है वो एक ओवर इम्यून रिस्पांस होती है, जब जरूरत से ज़्यादा हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है देन इट लीड्स टू ओवर इम्यून रिस्पांस, और ये जो ओवर इम्यून रिस्पांस होता है ये ओवर इम्यून रिस्पांस जो है ये बॉडी के लिए कई बार नुकसानदायक हो जाता है। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, सेंसिटिविटी का मतलब होता है रिस्पांस, तो ओवर इम्यून रिस्पांस लगभग पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन की 10% पॉपुलेशन में पाया जाता है
जाता है। इसे इम्यूनोलॉजी की या लोकल भाषा में एलर्जी भी कहा जाता है, और जो सब्सटेंसेस एलर्जी कॉज करते हैं उन्हें एलर्जिन कहा जाता है। ठीक है, अब ज़्यादातर एलर्जी ड्रग से हो सकती है, फूड स्टफ से हो सकती है, फूड पार्टिकल से हो सकती है, डस्ट से हो सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूशन से हो सकती है, किसी भी चीज़ से हो सकती है। यदि मैं इस हाइपर सेंसिटिविटी के क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हाइपर सेंसिटिविटी इज क्लासिफाइड इंटू टू, इमीजिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी एंड डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। जो इमीजिएट हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसमें रिएक्शन जल्दी होता है, और रिएक्शन जो है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, रहता भी कम समय तक है। और ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है इमीजिएट टाइप की, ये तुरंत ही रिएक्शन होने के एक दो घंटे के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा, और ये एंटीबॉडी और एंटीजन के इंटरैक्शन से मीडिएट होती है, और इसलिए ये ठीक भी एंटीबॉडी डालकर या सीरम का ट्रांसफ़र करके ठीक की जा सकती है। ये बी सेल्स द्वारा हैंडल की जाती है, इसका डिसेंसिटाइजेशन भी शॉर्ट लिव्ड होता है, और इसे एंटी हिस्टामिन ड्रग्स से भी हैंडल किया जा सकता है। उसी और जो डिलेड रिएक्शन वाली हाइपर सेंसिटिविटी डिलेड टाइप की होती है, उसमें रिएक्शन भी धीरे होता है, लंबा होता है, उसमें टी सेल्स और एंटीजन का इंटरेक्शन होता है, एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होती है, वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी द्वारा हैंडल होती है, और उसे ठीक करने के लिए टी सेल्स का ट्रांसफर किया जा सकता है और डिसेंसिटाइजेशन ड्रग्स यूज किए जा सकते हैं। उसका डिसेंसिटाइजेशन लंबा होता है, लेकिन रिएक्शन जो है वो देरी से होता है, और देरी से उसके रिएक्शन होने के सिम्टम्स आपको देखेंगे। ठीक है, अब अगर मैकेनिज्म के आधार पर हम हाइपर सेंसिटिविटी को क्लासिफाई करें तो हाइपर सेंसिटिविटी 5 प्रकार की होती है, जिसमें से 4 हम कॉमनली डील करते हैं। टाइप 1 या एनाफाइलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी, जिसका कॉजेटिव एजेंट IgE एंटीबॉडी है। टाइप 2 या एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, या इसे साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, जिसका कॉजेटिव एजेंट IgG या IgM एंटीबॉडी है। थर्ड, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, जिसका अगेन कॉजेटिव एजेंट IgG या IgM एंटीबॉडी है। ये जो हैं ये हम देखेंगे कि 1, 2 और 3 तीनों इमीडिएट टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी, और जो टाइप 4 है उसका नाम है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, या फिर सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि टी सेल्स द्वारा हैंडल्ड होती है, और ये डिलेड टाइप की है। और जो टाइप 5 होती है उसका डेटा ज़्यादा नोन नहीं है, तो उसके बारे में बस हम एलिमेंट्री ही पढ़ेंगे, वो है स्टिमुलेटरी हाइपर सेंसिटिविटी। अब जो ये 4 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक करके एक एक पर सेंसिटिविटी को पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप ये आपको इंट्रोडक्शन का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।